देख सकते हो, एक कटोरी पहले मैं पकौड़ियाँ तलूंगी फिर उसके बाद कढ़ी बनाऊंगी। तो अब मैं प्याज और टमाटर काट लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने दो आलू बारीक काट लिए हैं और बारीक प्याज काट लिए हैं। तो अब इस पे हम मसाला डालेंगे। तो फ्रेंड्स, हम इसमें मसाले डालेंगे, लाल मिर्ची, हल्दी, धनिया पाउडर, नमक, गरम मसाला। तो चलिए फ्रेंड्स, हम क्या कहते हैं बनाना शुरू करते हैं। अभी मैंने कढ़ाई रखी है, इसे गर्म होने देते हैं। इसमें तेल डालेंगे अभी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने पकौड़ियाँ तले डाल दिया है। अब पकौड़ियाँ तल जाती है तो फिर इसके बाद हम कढ़ी बनाना शुरू करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी पकौड़ी तैयार है। अभी थोड़ी सी पकौड़ियाँ बची है जो तल रही हूँ मैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने कढ़ाई में से तेल आधा कर दिया है मैंने। अब मैं इसमें हींग डालूंगी। जीरा डालूंगी आधी छोटी चम्मच। जीरे को भुनने दूंगी अब। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें एक लाल मिर्ची, धनिया सॉरी एक लाल मिर्ची, तेज कड़ी पत्ता और हींग जीरा डाल दिया था। अब मैं ये डालूंगी इसमें मसाला कड़ी का। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी कड़ी बनने वाली है। बस एक इसमें उबाल आ जाए फिर उसके बाद मैं इस गैस बंद कर दूंगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरी वीडियो कैसी लगी, और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलना। ये देखिए फ्रेंड्स, कढ़ी में उबाल आ गया है। हमारी कढ़ी गाढ़ी स्मूथ हो गई है एकदम, नहीं ज़्यादा पतली है नहीं ज़्यादा गाढ़ी, स्मूथ हो गई है।